हेलो गाइस, आज हम कर रहे हैं टोपोग्राफी शीट की रिवीजन। तो हमारा जो शीट नंबर है वो है G43S10, ईस्टिंग 64-72, नॉर्थिंग 26-36। और ये हमारी टोपोग्राफी शीट है। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्केल ऑफ अ मैप? तो इसका आंसर है, अ स्केल इज अ रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस मेजर्ड बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन अ मैप एंड द करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस मेजर्ड ऑन द ग्राउंड। सो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। और आगे हमारा अभी सेकंड क्वेश्चन है, जो हमने फोर फिगर ग्रिड बताना है। अभी सबसे पहले हम बताएंगे चंदेला का। तो अभी सबसे पहले हमने फाइंड करना है हमारा जो चंदेला वो कहाँ पे है। तो ये है यहाँ पे, इसका होगा, ये यहाँ पे 68 है और यहाँ पे है 26, ये रहा। तो इसका होगा 68 26, फोर फिगर ग्रिड। और अब आगे हमारा नक्खी तलाव इन नॉर्थ ईस्ट। तो यहाँ पे इन्होंने डायरेक्शन भी हमें दे रखी है ताकि हमें इजी हो जाए। तो हमने अभी पहले नॉर्थ ईस्ट देखना है, ये इधर होता है नॉर्थ ईस्ट। तो ये रहा नक्खी तलाव। नक्खी तलाव का होगा 70 और इधर होगा 33। तो इसका फोर फिगर ग्रिड है 70 और 33। आगे है हमारा सनसेट पॉइंट। सनसेट पॉइंट है हमारा यहाँ पे। अभी ये देखो, ये लाइन के बिल्कुल ऊपर है, बट हमने ये वाला बॉक्स ही लेना है क्योंकि ये जो सनसेट पॉइंट जो ज़्यादा है वो इधर वाले बॉक्स में है, तो हम ये वाला बॉक्स मानेंगे। तो इसका है 69 और इधर से है 32। तो ये हमारा 69 और 32। अभी हमारा नेक्स्ट है रघुनाथ जी मंदिर। तो ये यहाँ से फाइंड करो कहाँ पे है रघुनाथ जी मंदिर, ये रहा। तो इसका होगा, ये रहा रघुनाथ जी मंदिर, इसका होगा 71 और इधर से होगा 33। इसका है 71 और 33, 71। तो ये भी हमारा हो गया अब। और उसके आगे इन्होंने दे रखा है सिक्स फिगर ग्रिड। ये करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। अभी आपने बताना है विच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट प्रिपेयर्स द टोपोग्राफिकल शीट्स इन इंडिया। कौन सा डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का जो प्रिपेयर करता है टोपोग्राफिकल शीट इंडिया में, वो होता है सर्वे ऑफ इंडिया। जो मैप्स प्रोवाइड करते हैं वो होते हैं सर्वे ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट। और एक जो बहुत ज़रूरी क्वेश्चन आता है वो होते हैं कन्वेंशनल साइंस के मीनिंग्स। तो आपको सभी कन्वेंशनल साइंस के मीनिंग्स याद करने पड़ेंगे कि इसका क्या मीनिंग है और इसका क्या। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉल 12 मीटर इन ग्रिड स्क्वायर 7129। सो इसका आंसर है, जो ये फॉल शब्द है ये हमें बता रहा है वाटरफॉल ओवर अ स्टीप स्लोप जो है वो 12 मीटर है। इसका ये आंसर है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9R इन ग्रिड स्क्वायर 6735। 9R हमें इंडिकेट कर रहा है कि जो डैम की हाइट है वो है 9 मीटर। और ये जो सिंबल है ये आपको पता ही होगा, ये टेंपल का सिंबल है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये कर रहा है टेंपल। और अभी ये वाला हमें इंडिकेट कर रहा है रिलेटिव हाइट ऑफ कंचन इन 7 is 7 meter। और ये वाला जो ये लाइंस है ये हमें इंडिकेट कर रही हैं फुटपाथ। जो ये वाला साइन है ये हमें इंडिकेट कर रहा है ड्राई टैंक विद एम्बैंकमेंट। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अभी हमने फाइंड करनी है डायरेक्शंस। ये क्वेश्चन भी पक्का आता है, डायरेक्शंस फाइंड करने वाला।
अभी हमने देखना है पहले फतेहपुरा फ्रॉम चंदेला। फतेहपुरा उन्होंने दिया हुआ है 6527 में। अभी यहाँ पे 65 और 27 कहाँ पे, ये रहा फतेहपुरा, ये फतेहपुरा और चंदेला इधर है और ये ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है ऐसे डायरेक्शन में, तो ये होती है नॉर्थ वेस्ट। तो ये है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। और नेक्स्ट है श्री वशिष आश्रम फ्रॉम फतेहपुरा। श्री वशिष आश्रम 7130 पे है। तो यहाँ पे देखो 7130 कहाँ पे है, 7130 ये रहा। और यहाँ से हमने फतेहपुरा से ये वाली डायरेक्शन बतानी है, ये कौन सी डायरेक्शन है, ये वाली, ये है हमारी नॉर्थ ईस्ट। आगे है हमारा अनाद्रा पॉइंट फ्रॉम गौतम महर्षि मंदिर। अनाद्रा पॉइंट है 7033। अनाद्रा पॉइंट ये रहा। और उसके बाद है हमारा गौतम महर्षि मंदिर, ये है 6929 ये रहा। ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली, ये वाली डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट की। उसके बाद है हमारा सेटलमेंट डैक फ्रॉम गौतम महर्षि मंदिर। सेटलमेंट डैक है 6435। हियर इट इज। यहाँ से हमने गौतम महर्षि तक का बताना डायरेक्शन। डैक हियर है और गौतम महर्षि हियर है, यहाँ से यहाँ का बताना है। और ये है हमारा नॉर्थ वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ द गिवन शीट। जो ये रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होती है, ये शीट के नीचे लिखी होती है ये रही। सो ये है हमारी 1:50,000 है हमारी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है डायरेक्ट डिस्टेंस इन किलोमीटर्स बिटवीन पीडब्ल्यूडी एंड श्री वशिष आश्रम। सबसे पहले पीडब्ल्यूडी 6835 में है, ये रहा 6835 ये रहा, तो ये रहा PWD ये रहा। और उसके बाद हमने क्या कौन सा देखना है, श्री वशिष आश्रम, ये हमारा यहाँ पे था ये रहा। हमने इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखना है कितना है, तो ये हम स्केल से देखेंगे। ये देखो अभी मैंने स्केल रख दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 0 पे रखेंगे और यहाँ पे जितना आ रहा है, तो ये आ रहा 12 पे आ रहा है, तो ये होगा हमारा 12 सेंटीमीटर। अभी उन्होंने कहा है कि किलो हम इसको मीटर में कैसे कन्वर्ट करें। जो 1 सेंटीमीटर है मैप पे, वो 500 मीटर रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ग्राउंड में है 500 मीटर। तो अभी हम इसको कन्वर्ट करना, अभी हमने इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर्स में, तो इसका आंसर आएगा 500 × 1 किलोमीटर इक्वल टू, इन्होंने 1 सेंटीमीटर लिया हुआ है, तो अभी हमारे कितने सेंटीमीटर आ गए यहाँ पे, 12 आ गए, और यहाँ पे आ जाएगा 6000 किलोमीटर। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपको ट्राई करना, ये मैंने आपको दिखा दी टोपोग्राफी शीट, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसे खुद ट्राई करना। और आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है,
स्टेट द हाइट ऑफ द हाइएस्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल स्टेशन एंड गिव सिक्स फिगर ग्रिड रेफरेंसेस ऑल्सो। तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है सिक्स फिगर वाला। वाई देर नेक्स्ट है वाई देर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ रोड्स ऑन द मैप एक्सट्रैक्ट। आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे शॉर्टेज है रोड्स की? क्यों शॉर्टेज है आपको क्या लग रहा है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे जो एरिया है वो है माउंटेनियस एरिया, तो इसलिए यहाँ पे रोड्स की कंस्ट्रक्शन करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर्स इनक्लोज्ड बाय द ईस्टिंग्स 72 एंड नॉर्थिंग्स 32 to 34। अभी हमने देखने हैं सबसे पहले ईस्टिंग्स 72 दीज टू बॉक्सेस एंड देन फ्रॉम ईस्टिंग्स देखने हमने 32 to 34 दीज टू बॉक्सेस। वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया और ये हम ऐसे फाइन करेंगे, इसके बीच में जो स्क्वेयर्स हैं वो देखेंगे कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 स्क्वेयर्स हैं, तो इसका आंसर है 6 स्क्वायर किलोमीटर। किलोमीटर इसलिए क्योंकि जो हमारे मैप पे जो 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है 1 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई ऑफ माउंट आबू थ्रू आउट द ईयर? ये वाला जो है ये सारा माउंट आबू है। अभी उन्होंने कहा कि वाटर सप्लाई का सोर्स कौन सा है इसमें, इसमें हमें एक ये जगह दिख रही है सबसे ज़्यादा ब्लू है, ये है नक्की तलाव। इसका आंसर है नक्की तलाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिजिकल फीचर इज इंडिकेटेड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोजली स्पेस्ड कॉन्चर्स? अभी आप यहाँ पे देख सकते हो क्या दिखाया हुआ है, जो जहाँ पे जो कॉन्चर लाइंस हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, ये लाइक दिस दीज ऑल, ये क्या इंडिकेट करती हैं? ये करती हैं माउंटेन। व्हाट इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल एज रिप्रेजेंटेड इन द मैप? यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा ग्रीनलैंड दिख रही है, तो यहाँ पे एक्सटेंसिव ग्रीनलैंड है और ये है फॉरेस्ट लैंड, और यहाँ की ऑक्यूपेशन होगी फिर आप कह सकते हो कोई ऑक्यूपेशन नहीं है क्योंकि ये फॉरेस्ट लैंड है। और अभी हमने इनों के लिए रीज़न भी देना है, इसका रीज़न इसलिए हम दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं और टेंपल्स हैं इस करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द सेटलमेंट पैटर्न ऑफ द फॉलोइंग इन ग्रेड स्क्वायर 6 7 2 6 दिस वन। इसका कौन सा ग्रिड पैटर्न, इसका कौन सा सेटलमेंट है, ये कौन सा सेटलमेंट आपको दिख रहा है यहाँ पे ये वाले बॉक्स में? ये स्कैटर्ड सेटलमेंट, स्कैटर्ड सेटलमेंट फतेहपुरा सेटलमेंट यहाँ पे फतेहपुरा में। ये कौन सा दिख रहा है आपको? ये भी स्कैटर्ड ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हमने बताने हैं ड्रेनेज पैटर्न्स इन ग्रिड स्क्वायर 6 5 2 8 यहाँ पे कौन सा ग्रिड पैटर्न है? यहाँ पे है ये रेडियल, उसके बाद इन ग्रिड स्क्वायर 6 4 2 7 6 4 और 2 7 ये रहा यहाँ पे ये वाले बॉक्स में, कौन सा है ये वाले बॉक्स में है डेंड्रिटिक। उसके बाद है इन ग्रिड स्क्वायर 6 6 3 0 6 6 और 3 0 यहाँ पे ये वाले बॉक्स में,
इसमें हमें दिख रहा है ट्रेलियस, ट्रेलियस टाइप ऑफ सेटलमेंट्स। तो ये था हमारा टोपोग्राफी शीट की रिवीजन हमने की है, होप आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, आपको मतलब एक तरह की क्वेश्चंस पता लग जाएंगे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। थैंक यू गाइस।